हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो अपलोड किया है और उसके कुछ घंटे बाद भी अगर आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आपको YT स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो को ओपन करना है और अपने वीडियो को ओपन करना है YT स्टूडियो में जाके, और फिर उसके व्यूज़ को देखना है। व्यूज़, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर जो ऊपर है ग्रीन कलर का एरो है तो ठीक है, अगर जो नीचे की साइड डाउन है तो इसका मतलब आपको फिर से इस वीडियो में करेक्शन करके इसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे पुनः ये YouTube ऑटोमेटिक आपके वीडियो को सर्च इंजन में डाल देगा और ये ऑटोमेटिक आपका वीडियो फिर से वायरल हो जाएगा। इसके लिए आपको जो करना है वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। जितने भी वीडियोस आपके हैं अगर वो वायरल नहीं हो रहे हैं तो एक ट्रिक आपको, एक जादुई ट्रिक एक ऐसी बताते हैं जिसको आज आपने ट्रिक कर लिया, उसको आजमा लिया तो आधे से एक घंटे के अंदर खुद ब खुद आपका वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा कि आप शॉक हो जाएंगे। अब आपको इसकी सेटिंग में गो टू वीडियो एनालिसिस में जाना है, इसको ओपन करना है और इसमें रीच ऊपर लिख के आ रहा होगा, रीच में जाना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है और इसमें लिखा होगा टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स। इसमें जितने भी 1, 2, 3 जितने भी आ रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको अपने टाइटल, अपने डिस्क्रिप्शन और अपने टैग में लगाना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको अपने जो भी आपने अपना थंबनेल लगाया है उसको थंबनेल को चेंज करना है और फिर से वीडियो को सेव कर देना है। आप देखिएगा आधे से एक घंटे के अंदर ही आप शॉक हो जाएंगे कि आपके वीडियोस पे कितनी ज़्यादा व्यूज़ और एवरेज क्लिक थ्रू रेट और इम्प्रेशन क्लिक आने लगेगी। जो चीज़ आपकी डाउन जा रहे थे और वो सब आपके ग्रीन हो जाएंगे और वो सब आपके अप जाने पर लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।